प्लेसमेंट सफाई कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर में चारों तरफ गंदगी का ढेर पसरा हुआ है। नालियों की सफाई नहीं होने से लोग बदबू से परेशान हो गए। आलम यह हो गया है कि जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, मगर इसको लेकर नगर प्रशासन विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमलेश चौहान का कहना है कि सीएमओ ने सभी प्लेसमेंट सफाई कर्मियों को वेतन से ईपीएफ और जीपीएफ की राशि में कटौती की जा रही है, लेकिन 12 से 15 माह तक की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। इसके अलावा इस राशि का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। सफाई कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पूरे महीने 30 दिन काम जाता है, लेकिन सिर्फ 29 दिन का ही वेतन बनाया जाता है। इसके अलावा बीते माह फरवरी में पूरे माह काम करने के बावजूद भी 15 दिन का ही वेतन दिया गया। सीबीएफ जीपीएफ की कटौती हो जमा नहीं हो पाते, अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है, और ऊपर से 30 दिन के काम करे के बाद ही 15 दिन की पेमेंट दे है, और 31 के महीने में 30 दिन काम करे के बावजूद भी मैं 1 दिन काट दे है, यही हमारी समस्या है। 1 महीना काम करवा कर 15 दिन का तनख्वाह देता है, और 30 दिन का जब काम करते हैं हम लोग तो 29 दिन का तनख्वाह देता है, और हम लोग का रेट बढ़ा है उसमें तो उसको कोई मतलब नहीं है, पैसा काट के दे रहा है सब। जब तक का हमारा मांग पूरा नहीं होता हम लोग काम चालू नहीं करेंगे। इंदौर में पेट्रोल डीजल की दाम